सो फाइनली आश्रम मिल गया। सो आई गॉट रूम हियर फॉर 500। सो मैंने इस रूम के लिए पे किया है गाइस 500। मेरे पास मेरी कुछ सेविंग्स है जो मैं यूज कर रहा हूँ, बट मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 से 3 लोग आराम से रह सकते हैं। ये वॉशरूम भी काफी अच्छा है। वेयर इज द लाइट ऑफ वॉशरूम? दिस इज द वॉशरूम। बालकनी, हाँ ये भी सही है, अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सो फाइनली आई रीच्ड नासिक त्र्यंबकेश्वर एंड बहुत 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 ट्रैवलिंग किया मैंने आज, क्योंकि मैं इगतपुरी से सबसे पहले मैंने ट्रक पकड़ा, देन ट्रक के बाद मैंने एक टेम्पो पकड़ी, टेम्पो के बाद मैं वहाँ से वॉक करके आया, वॉक करने के बाद भी वहाँ से मैंने बस किया लास्ट में, और लास्ट में बस करके फिर मुझे यहाँ तक मैं वॉक करके आया हूँ 3 किलोमीटर। सो ऐसे मैंने इगतपुरी से त्र्यंबकेश्वर का सफ़र चूज़ किया। एंड ये जो रूम है, रूम दिखाया मैंने आपको, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लोग आके रह सकते हैं आराम से, एंड मैं तो अकेला ही आया हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे इसी आश्रम के बाजू में इस आश्रम का गेट नंबर 2 है, जहाँ पे 30 रुपीज़ में खाना मिलता है। सो मैं अभी वो फ्रेश होऊंगा और वो खाना खाने जाऊंगा, एंड देन फिर मैं सो जाऊंगा। बहुत हेडेक हो रहा है आज, बहुत ट्रैवल किया मैंने। सो स्टे ट्यून। तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला हूँ पूरे रोड पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई साथ में नहीं है। एंड अभी खाना खाने जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। लेट्स सी, होप सो वहाँ पे लोग हो, क्योंकि यहाँ पे तो भाई एकदम सुमसाम लग रहा है, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। अरे कोई भूत ही दिख जाओ यार, एटलीस्ट सच में ही ना दिख जाए। फाइनली कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, साथ में तो कोई नहीं है वैसे भी, बट मैं पहुंच गया मेरी मंजिल पे। यही मिलेगा खाना। यहाँ पे व्यू बहुत सही आ रहा है। दिस इज होल त्र्यंबकेश्वर एंड दिस इज द नासिक। So finally I reached at my room. बहुत थक गया हूँ यार।
तो नहा धो के हो गया, अभी कपड़े भी पहन लिए और कुछ कपड़े धो दिए मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे रहने मिला है, पता नहीं आगे जाके कब रहने कहाँ रहने मिलेगा। तो जो कपड़े गंदे हुए थे मैंने कपड़े धोए में डाल दिए अभी, तो अभी वो तो मैंने मतलब भिगो दिए, अभी निचोड़ के फिर मैं यहाँ पे सुखा दूंगा, यहाँ पे सुखाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेरी शॉर्ट सुखाई हो गई है। तो ये जो आश्रम है वो इन्हीं का है, संत जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज। एंड ये आश्रम बहुत बड़ा है गाइस, शायद देख सकते हो। ये मंदिर है यहाँ का श्री स्वामी समर्थ का। ये बाहर का व्यू है और ये रास्ता जाता है त्रिम्बकेश्वर की ओर। तो यहाँ से मैं अभी चल के जाने वाला हूँ, 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से मार्केट का, एंड देन पूरा मंदिर है वहाँ पे। सो लेट्स गो। सो अभी जो है मैं यहाँ से चल के जाऊँगा त्रिम्बकेश्वर, बाजू में ही है यहाँ से, इतना दूर नहीं है। सो कल रात को मैं यहीं पे रुका, आश्रम काफ़ी अच्छा है। एंड आश्रम के बाजू में उन्हीं का मतलब गेट नंबर 2 है, वहाँ पे खाना खाया मैंने, खाना ही बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। 30 रुपीज़ चार्ज किया उन्होंने एंड खाना खा लिया वहाँ पे। और ये रास्ता तो यार बहुत बहुत सुनसान है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। गांव में ऐसा लगता था कि कोई नहीं रहेगा, बट एक्चुअल में यहाँ पे तो कोई नहीं है, मतलब पूरा रास्ता ही खाली है यहाँ पे।